आ गए आप। स्वागत है आप सभी का हमारे माइटी फिनिक्स गेमिंग चैनल में। और आज हम खेलने वाले हैं सर्वाइवल माइनक्राफ्ट। हाँ पता है बहुत दिनों बाद वीडियो छोड़ रहा हूँ, पर क्या करूँ, थोड़ा काम में बिजी था। तो आज से हम अपने चैनल में एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है सर्वाइवल सीरीज। मगर उससे पहले जल्दी से हमारा एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते और उसका नाम माइटी फिनिक्स दे देते। मैं सोच रहा हूँ कोई स्पेसिफिक सीड ना चुन के एक रैंडम वर्ल्ड खेलूँगा, और वो केव्स एंड क्लिफ्स इनेबल होगा। हम केव्स एंड क्लिफ्स इनेबल ऑप्शन में ही खेलेंगे। तो चलो, तो न्यू वर्ल्ड में ज्वाइन होते ही हमारा जो पहला काम होता है वो है सबसे पहले वुड्स कलेक्ट करना। तो हम वुड्स कलेक्ट करेंगे मगर उससे पहले थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, थोड़ा जगह देख लूँ कि किधर के आसपास हूँ और किस जगह पर हूँ, थोड़ा ये सब चेक करना चाहता हूँ तो चेक कर लूँ। और एक चीज़ मेरे बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो जीरो, आप सभी को पता होगा कि मैं 00 कोऑर्डिनेट्स में था, और मैंने ये नोटिस किया कि 00 कोऑर्डिनेट्स पानी के ऊपर हो रहा है बार बार। मैं लगभग 3 रैंडम सीड्स ट्राई कर चुका हूँ और ये हर बार यही हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे खास पसंद नहीं आया। मगर ठीक है, चलो चलता है, इससे कोई मुश्किल नहीं होगी। और यही 00 कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिया, और हम सोच रहे हैं कि एक फ्लैट वर्ल्ड जगह पे अपना घर बनाए, कुछ इस साइड की तरफ, या फिर हाँ चलो इस साइड की तरफ जाके देख लेता हूँ। मतलब मैं कुछ स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं बनाऊँगा, ठीक है, कुछ अलग जगह पर, मगर उससे पहले थोड़ा वुड्स ले लूँ, मतलब कुछ हथियार फतियार के काम आएगा। अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा वुड्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैं सैपलिंग लगा देता हूँ क्योंकि हम पेड़ बचा हुआ भी जान के साथ है। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये शीप को मैं मार देता हूँ, थोड़ा फूड भी मिलेगा। वो देखो उधर एक रुइन पोर्टल दिख रहा है ना, चलो चलो जल्दी से चलो। हाँ मैंने सही गेस किया था, इधर एक रुइन पोर्टल भी है। बाद में कभी जब नेदर में जाऊँगा तभी इधर आऊँगा। आज के लिए ये जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि आज के लिए मैं इधर से बस लूट लेकर चला जाऊँगा। फिलहाल आज के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं है, और लूट भी बहुत, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मगर काम का लूट तो है क्योंकि स्टार्टर्स में मुझे फिर से वो वुडन टूल नहीं बनाना पड़ेगा। ये फ्लिंट एंड स्टील तो बहुत ही काम का आने वाला है क्योंकि मुझे डायरेक्ट कुक्ड फूड ही मिलेगा। तो चलो, और ये एक्स बहुत काम का है, ये एक्स बहुत अच्छा है, ये एक्स चीज़ अच्छा अच्छी से ये एक्स को मिला लूँगा। और ये चेस्ट भी ले लेता हूँ, अगर बाद में काम आए तो कौन देखेगा ना। तो चलो चलते हैं इसको लेके। तो हमने बहुत ढूंढा और मुझे ये जगह अच्छा लगा, मतलब ये प्लेस थोड़ा फ्लैट भी है और इधर अच्छा पोजीशन भी है, तो इधर ही हम एक घर बनाएंगे। मतलब इसी एपिसोड में भी नहीं, मगर हमारा जो बेस होगा ये इधर ही होगा, ये मेरा प्लान है। इस जगह पे हम एक अपना क्या बोलते हैं उसको, रेसिडेंस बनाएंगे, क्या अंग्रेजी बोलता हूँ, बट फॉरगेट दैट, लेट्स डिग डाउन और होप टू फाइंडिंग आयरन। और गाइस हमें आयरन मिल चुका है, और हमें इस आयरन को हम अब माइन करेंगे, और हमारे पास एटलीस्ट एक आयरन पिकैक्स और एक आयरन सील, एक सील्ड और एक बकेट बनाने के लिए तो जगह ए बच ही जाएगी, आयरन हो जाएगी। उसके बाद भी आयरन बच जाएगी, मगर आयरन हो तो जाएगी। तो थोड़ा और डिग डाउन कर लेते हैं, सीधे लेवल 11 के या उसके आसपास चले जाएंगे। ओके लेट्स स्टार्ट माइनिंग। हम अब सीधा स्ट्रीम माइन करेंगे और होप करेंगे कुछ आयरन और कुछ डायमंड मिल जाए। वैसे भी किस्मत फूटी है, मिलने का चांस भी कम है, मगर फिर भी थोड़ा एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। और गाइस हमें रेड स्टोन मिल चुका है, मगर अभी तक कोई सीन नहीं डायमंड्स का। हम फिर भी खोदे जा रहे हैं ताकि हम जल्दी से खोद सकें, और हमें थोड़ा टॉर्च चाहिए होगा। फॉरगेट स्ट्रीम माइनिंग, वी आर डूइंग इन डाइव माइनिंग। हम सीधी एक क्रॉल करते हुए माइन करेंगे, जल्दी से माइन भी होगा और कम जगह माइन भी करना पड़ेगा। सो माइन करते करते हम एक एक्सीडेंटली एक केव में आ गए। चलो देखते हैं इस केव में कुछ मिलता है या नहीं।
और आते ही पहले हमें कोल मिला जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हम थोड़ा टॉर्च भी बना पाएंगे, एटलीस्ट कुछ टॉर्च तो बना पाएंगे, क्योंकि मैं तब से सिर्फ एक टॉर्च से काम चला रहा हूँ। अब एटलीस्ट कुछ टॉर्च हमारे साथ होगा चारों तरफ रोशन करने के लिए, और इस टॉर्च की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। चलो अब आयरन को थोड़ा पका लेते हैं। अभी आयरन पिकैक्स से सारे रेड स्टोन माइन कर लेते हैं। पूरा गुफा काले कालापन से भरा हुआ है, लग रहा है जैसे ज़िंदगी में अंधेरा छा गया हो, मगर हम अपनी ज़िंदगी में खुद अपने हाथों से रोशनी करेंगे और जाके देखेंगे कि इस गुफा में कुछ है या नहीं। और हाँ, थोड़ा वो शायद उधर गोल्ड दिख रहा है, वैसे थोड़ा गोल्ड हमने कुछ देर पहले भी माइन किया था। वैसे आप सभी को क्या लगता है पता नहीं, पर मुझे अभी भी तक ये नया टेक्स्ट ओर का टेक्सचर काफ़ी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी ओर होता है और उसमें हमें चाहिए होता है, तो हमें माइन करना पड़ेगा। हम माइन कर लेंगे और अब मैं हमारे पास अब 6 गोल्ड का ओर और थोड़ा आयरन ओर है, तो चलो खुद को आर्मर के बाकी पार्ट्स भी दे देते। तो फिलहाल पैंट्स पहले पहन लेते हैं, क्योंकि पैंट्स ही थोड़ा ज़्यादा आर्मर पॉइंट देता है अगर मुझे ठीक से याद हो तो। और ये क्रीपर वहाँ से है, इधर स्कूबा डाइविंग कर रहा है, इसको उसका पानी वाला डांस करने दो, इसको उसका इसका उसका मिकी माउस मुस्क इसका उसका मुस्का मिकी माउस तो छो भी हो, इसको उसका स्कूबा डाइविंग करने दो और हम चलते हैं कुछ और रिसोर्सेस फाइंड करने। पर मेरा फिलहाल गोल है तो डायमंड फाइंड करना, जो कि मेरे अब तक का फूटी किस्मत है, अभी तक मैंने ढूंढ नहीं पाया। तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। सो गाइस, मैं अब तक बहुत ज़्यादा देर तक माइन कर रहा मगर मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला, हालांकि मुझे बहुत सारे आयरन और गोल्ड मिले। तो इसको पका लूँगा अपने घर की तरफ, और मैं इस जगह को घर बनाने के लिए चूज़ कर रहा हूँ, ये 200 200 कोऑर्डिनेट्स, मतलब +200 -200 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये जगह थोड़ा फ्लैट है। हम 0 0 पे भी बना सकते हैं, मगर ये जगह मुझे ज़्यादा पसंद आया। मगर ये एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 0 0 पे एक ना एक घर तो ज़रूर होगा, क्योंकि जो भी हो वो हमारा मतलब फेवरेट कोऑर्डिनेट्स है, तो उधर कुछ ना कुछ तो होगा ही, मगर वो फ्यूचर के एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम अपना पहला हाउस इधर ही बनाएंगे, ओके। और ये महाशय मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, जल रहे हैं फिर भी मेरे तरफ बढ़ रहे हैं, मुझसे जलते हैं ये सब। ये हमें एक कैरेट भी मिल चुका है, बहुत अच्छा है, ये रेयर होता है मगर अच्छा है, काम आएगा, आप इसको इसका खेती भी करेंगे बाद में। तो चलो बाकी सारे आर्मर का पीसेस बना लेते हैं और अपना ये गोल्ड आर्मर रख लेते हैं। हम अब फुल आयरन हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड आर्मर सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा भी नहीं होता ना। सो अब थोड़ा टॉर्च क्राफ्ट करता हूँ टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉनिंग मॉब्स। और ये देखो क्या मॉब्स का नाम लिया और ये मॉब्स हाजिर, मतलब शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, और ये मॉब्स एक शैतान ही है, तो इसे मार के मैं जल्दी से सोता हूँ। और सुबह उठ के एक प्लान है जिसे सक्सेस करूँगा, मेरा प्लान है इस जगह को एक बड़ा सा स्क्वायर फ्लैट एरिया बनाना, इस वाटर वाली जगह को पूरा ढक देना, तो वही मैं करूँगा। तो मैं जगह को फ्लैट कर रहा था और करते करते मुझे ये चीज़ नोटिस हुआ, ये पानी का जगह, और ये नोटिस होने वाला चीज़ क्यों है क्यों अभी दिखाता हूँ। ये देखो ये 1.17 अपडेट के बाद इस जग मतलब ये अंदर का वाला ये जो केव और वाटर जो भी बोलो ये सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चेंज हो चुका है, और मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी देखने लग रहा है, मतलब बहुत स्वीट दिखता है ना, कितना अच्छा लगेगा, मोर रियलिस्टिक फील होगा कि एक बड़ा सा ओशन के अंदर केव सा मतलब कूल लगता है, और ये ग्लो स्क्विड के साथ और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर इतना जगह में बड़ा मैं घर नहीं बनाने वाला, वो जगह को मैं पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि उस वाटर वाली जगह को मैं बाद में किसी और काम के लिए लगाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इधर तक इधर एक बॉर्डर बनाऊंगा, उधर तो मैं थोड़ा क्राफ्ट कर सकूँगा तो उधर एक बनाऊंगा, और उधर थोड़ा जाऊंगा तो एक चारों तरफ एक छोटा सा एरिया बनाऊंगा, और इस एरिया के अंदर मैं अपना जो जो कहता है वो हाउ बनाऊंगा। और इस जगह चूज़ करने का एक रीज़न है, ये जो सामने सी है ना, ये जगह मतलब सामने सी होने से जगह देखने में और ज़्यादा सुंदर लगता है। और एक और चीज़ की वजह से है कि मैं अगले दिन एक टेक्सचर पैक लगाने वाला हूँ जो कि बहुत कूल होगा, और उसकी वजह से ये जगह और भी खूबसूरत लगेगा। तो
होप करते हो अगले दिन से ज़्यादा अच्छा हो सके, क्योंकि आज के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा प्लान्स नहीं है। आज बस बहुत दिनों से आपके लिए कुछ बना नहीं पाया, तो इसलिए आज बना रहा हूँ। क्योंकि ये सोच लेना, ये एक प्रीवियस टाइप का सीज़न है और प्री रिकॉर्डिंग टाइप का, जो भी आप सोच लो, मगर यह सब आप ही के लिए बस थोड़ा एक इंफॉर्मेटिव टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। तो इधर एक क्ले है, तो इधर थोड़ा क्ले पैच को सब कर देता हूँ, क्ले काम का आ सकता है। तो ऐसा ही चीज़ है आज के दिन के लिए, और मैं थोड़ा ये काम करता हूँ। तो बहुत देर से खोदते खोदते लगाते लगाते थोड़ा बोर हो गया था, तो थोड़ा एक्सप्लोरिंग के लिए निकल पड़ा था। तो सोचा आप सभी को थोड़ा आसपास का एरिया दिखा दूँ कि कैसा दिखता है, मतलब मैं खुद तो देख रहा हूँ, साथ साथ आप सभी को भी दिखा दूँ कि आसपास का एरिया कैसा है। जैसे कि इधर बहुत बड़ा फ्लैट एरिया है, और रुक जाओ ये दूध ले लूँ, क्योंकि ये रॉ मीट रॉटन फ्लिस पड़ा है, जो इसको खा के एक दूध खा लूँगा। ये जो मिल्क होता है ना, ये जो मिल्क, ये आपका सभी इफेक्ट गायब कर देता है। मतलब आपके अगर आपके पास कुछ इफेक्ट हो, तो ये मिल्क उस सारे इफेक्ट को मतलब जीरो नल कर देगा। कुछ भी इफेक्ट, अच्छा बुरा पॉइजन हो या फिर कुछ भी इफेक्ट हो, ये सारे इफेक्ट को आपको मतलब गायब कर देता है। ये मिल्क बहुत काम की टूल होता है। तो ये चारों तरफ का एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा पहाड़ ही नहीं है, ये जगह थोड़ा बिखरा हुआ है, और इधर एक बरचूड और ओकूट का जंगल है, और आगे मुझे एक पहाड़ और एक फ्लैट प्लेस दिख रहा है, जिसे मैं ये इसे प्लेन्स कहते हैं। हाँ, इसे ही प्लेन्स कहते हैं ना बायोम, मैं ज़रा भूल जाता हूँ बायोम्स का नाम क्या होता है, मगर जगह अच्छा है। इधर हम फार्म बना सकते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा प्लेन जगह है, तो इधर बहुत सारा फार्म आ जाएगा एक ही बार में। देख लो पूरा कितना कितना ज़्यादा मतलब फ्लैट प्लेस है इधर, तो बहुत अच्छे से आराम से बहुत सारा फार्म आ जाएगा। तो हम अपना अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में इधर कुछ फार्म बनाएंगे, इस जगह को इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में बदल देंगे। और ये सामने पहाड़ भी है, जिससे ये जगह और कूल दिखेगा। मतलब ये पूरा वेस्टर्न टाइप का थीम बनाने का सोच रहा हूँ। वैसे प्री प्लान इतना ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि शायद कुछ और बाद में प्लान चेंज भी कर दूँ, मगर इधर एक फार्म बनाऊँगा, एक क्या इधर फार्म का सेट इधर ही बनाऊँगा, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा प्लेन्स है। और इस जगह का मतलब इस जगह में बनाना मुश्किल भी होगा, क्योंकि इधर सफाई कम करना पड़ेगा ना, तो जितना कम सफाई उतना अच्छा। तो इधर हम फार्म बनाने वाले हैं, आने वाले वीडियो में जुड़े रहो, क्योंकि इधर मैं जितने सारा पॉसिबल हो सके ना, उतना ज़्यादा फार्म बनाऊंगा। इस सर्वाइवल सीरीज़ को ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा खींचने वाला हूँ, अगर आप सभी का सपोर्ट मिले तो। मैं पहले इस वीडियो को छोड़ के देख रहा हूँ कि आप सभी को कैसा लगता है। अगर इस वीडियो में 10 लाइक आता है, तो मैं नेक्स्ट सीज़न जल्दी लाऊँगा, वरना लाऊँगा थोड़ी नेक्स्ट सीज़न लाऊँगा थोड़ी देर में। तो एटलीस्ट 10 लाइक कर देना, ये मुझे मोटिवेट भी करेगा। और देखो रूट, पूरे वीडियो में मैं नहीं कहता, पर अभी कह रहा हूँ, अगर आप सभी से हो सके, अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर कुछ बुरा लगा या फिर कुछ मैंने गलत कहा, ऐसा फीलिंग हुआ, तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना अच्छा हो सके, जितना बेस्ट हो सके, उतना ज़्यादा कंटेंट आप सभी के लिए लाऊँ। और ये पॉसिबल तभी होगा जब आप ही की साइड से थोड़ा रिव्यू या फिर थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना दिखाओ। तो अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में लिखना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बस थोड़ा सा लिखना। और अगर वीडियो को इतना तक देख रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शायद ही मेरा कोई वीडियो इतना ज़्यादा देर तक देखता है, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं वीडियो बोरिंग करता हूँ, मगर ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना रखता हूँ, और आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।